हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेट सोम पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फाइल को कैसे डेकोरेट करना है या फिर उसके डायग्राम को कैसे बनाना है। तो देखिए, मेरे पास ये एक रेड कलर की फाइल है क्योंकि जूलॉजी की फाइल रेड कलर की होती है। तो फर्स्टली हम इसको डेकोरेट करते हैं। तो ये देखिए, डेकोरेट करने पर कैसी लगती है। देखिए दोस्तों, ये फाइल हमने डेकोरेट कर ली है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जूलॉजी और ये कुछ एनिमल्स के डायग्राम भी हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो आप अपने जूलॉजी की फाइल को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इसी मतलब इसकी जगह कोई और पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी फाइल को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डायग्राम को किस तरह से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, ये डायग्राम जैसे कि पाइला का है और पाइला का कॉमन नेम एप्पल स्नेल है। तो ये डायग्राम देखिए, हमें मतलब हम जो भी डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम को हमें पेज के बिल्कुल सेंटर पे बनाना चाहिए और जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो इस कॉर्नर पर करनी चाहिए और डेट इधर साइड डालना चाहिए। और जो इस डायग्राम का हमारा नेम है उस नेम को हमें ऐसे नीचे लिख के उसे अंडरलाइन करनी चाहिए। साथ ही साथ पूरे पेज की बाउंड्री इस तरीके से कर दें। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो आपके जो टीचर्स लोग हैं इन्हें चेक करेंगे, वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देंगे। तो देखिए, और एक बात और देखिए, इधर हम इसकी जैसे कि पाइला का डायग्राम है तो कमेंट इधर कर लीजिए और डायग्राम इधर साइड बना सकते हैं। तो मैं आपको आज मोलस्क का फाइलम के डायग्राम दिखाने वाली हूँ। तो एक डायग्राम तो ये है मोलस्क का फाइलम का और देखिए एक ये है काइटन का, जिसके अंदर 8 पोर्स होते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो क्योंकि काइटन में हमारी 8 सी लेयर होती हैं तो इसलिए आप इन्हें काउंट करके बनाइएगा। अगला डायग्राम है हमारा यूनियो का। देखिए यूनियो का ये डायग्राम मतलब आपको सारे ऐसे ही बनाने, जिस तरीके से पेज के सेंटर में डायग्राम बनाओ, नीचे उसका नेम लिखो और अंडरलाइन करो, इधर कॉर्नर में क्लासिफिकेशन और इधर डेट और पेज की बाउंड्री। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और किसी फाइलम के डायग्राम भी देखने हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको और फाइलों के डायग्राम भी दिखाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।